Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. Today we will discuss about the applications of biotechnology. In our previous lecture, we have discussed about some products that can be obtained by using the techniques of biotechnology. Now we are going to discuss about some major fields in which biotechnology techniques are applied. Applications of biotechnology. Four major areas in which biotechnology techniques are applied includes agriculture, food production and preservation, health and environment. These are the four major areas in which biotechnology techniques are applied. वो जो चार बड़े शोबे जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को अप्लाई किया गया है वो कौन कौन से हैं? ज़रात है, फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन यानी खुराक की पैदावार और तहफ़ुज़, इसके अलावा हेल्थ यानी सेहत और माहौल। ये चार वो बड़े शोबे हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को अप्लाई किया गया है। और फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टेक्निक्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर। हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज टू किल क्रॉप एनिमीज। हर्बिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज टू किल वीड, वाइल पेस्टिसाइड्स आर दोज केमिकल्स विच आर यूज टू किल इंसेक्ट्स। द यूज ऑफ दिस केमिकल्स इज नॉट सो बेनिफिशियल बिकॉज दिस केमिकल्स ऑल्सो कॉज डैमेज टू द क्रॉप प्लांट्स। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स वो केमिकल हैं जो पौधों पर मौजूद जो जड़ी बूटियाँ और दूसरे कीड़े मकोड़े होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो केमिकल जो जड़ी बूटियों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हम कहते हैं हर्बिसाइड्स, जबकि वो केमिकल जो कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेस्टिसाइड्स। हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स ये वो केमिकल हैं जो पौधों पर से कीड़े मकोड़ों और जड़ी बूटियों को मार देते थे, लेकिन इनके इस्तेमाल का एक नुकसान ये था कि ये जो केमिकल्स थे ये पौधों को भी ख़राब करते थे यानी पौधों और फसलों को भी नुकसान पहुंचाते थे। सो टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम बायोटेक्नोलॉजिस्ट डिवेलप्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। इन दिस प्लांट दे इंसर्ट वीड रेजिस्टेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट जीन्स। सो दिस प्लांट्स प्रिपेयर प्रोटीन विच आर हार्मफुल फॉर वीड्स एंड पेस्ट, एंड द कल्टिवेशन ऑफ सच क्रॉप्स एंड सच प्लांट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स एंड मेक दैम सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्लांट्स के अंदर वीड रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट जीन एंटर कर दिया, यानी एक ऐसा जीन एंटर किया जो जड़ी बूटियों और कीड़े मकोड़ों के खिलाफ प्रोटीन्स बनाता था। तो इस तरह से जो प्लांट्स थे ये जो प्लांट्स अब क्या बन गए हैं? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, क्योंकि इनके अंदर एक जीन की एडिशन हो गई है। तो इन प्लांट्स को हम कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स थे अब ये एक ऐसी प्रोटीन बनाने के काबिल हो गए जो वीड और इंसेक्ट्स को ख़त्म कर सकती थी। और अब इन प्लांट के लिए हमें कोई हर्बिसाइड कोई पेस्टिसाइड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्लांट्स हैं ये खुद ही ऐसी प्रोटीन बना लेते हैं जो जड़ी बूटियों और इंसेक्ट को ख़त्म कर देते हैं। और इस तरह से इंसानी सेहत पर भी इसका कोई असर नहीं पड़ता। जैसे हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड जो थे वो केमिकल्स थे, अगर हम उनका क्रॉप्स के ऊपर स्प्रे करते थे तो उन क्रॉप्स को इंसान फूड पर्पसेस के लिए यूज़ करते थे तो इंसानों की हेल्थ को नुकसान पहुंचता था, लेकिन ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हैं ये इंसानों के लिए भी सेफ़ है, यानी इंसानों की हेल्थ को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। अब वो कौन कौन सी क्रॉप हैं जिनको हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड बना लिया है, यानी वो कौन कौन सी क्रॉप्स हैं जो खुद ही वीड रेजिस्टेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट प्रोटीन्स बना लेती हैं। उन क्रॉप्स में शामिल है कॉर्न, वीट, राइस, सोयाबीन, कॉटन एट्सेट्रा। Since previous years, our fields have been getting infested with bollworms,
which are destroying our cotton crop. This year, we have been working extra hard and giving more sprays of pesticides to save our crops. I wonder how relaxing and assuring it would be if my crops are fully pest-free this year. Finally, I would be able to save for my family's future. These pests have damaged more than half of my crops, much more than they did last year, even though I gave more sprays against bollworm. Our entire work and money on seeds, fertilizers, water, and pesticides has gone down the drain. Mohan, our fields are mostly damaged. Let's immediately go to the village heads and discuss our problem with them. Our cotton crops have been suffering from bollworm infestation, and they eat away healthy crops and destroy the produce. Farmers like us have incurred heavy losses in spite of all efforts. Everyone, calm down. Maybe if we consult a scientific expert about this problem, then we may find a solution. Welcome. I am Dr. Patil, an agricultural scientist. Doctor, we are facing the increasing problem of bollworm infestation, even after increasing the usage of pesticides. Okay. First, let me explain something about the pests and the pesticides. While pesticides do kill these pests, but with repeated application over the years, the pests develop resistance to the pesticides, which makes them ineffective. This is true for any pesticide used against any pest, including, for example, the malaria-causing mosquito. But luckily, scientific advancement has provided a new solution against bollworm. Look, these are BT seeds, which look like any other seed. These are nothing but technically advanced GM seeds, which are capable of fighting the bollworm, saving the cotton crop from pest damage. Let me further elaborate on the use of GMO seeds and their benefit. All the organisms in this world possess small structures called genes that determine their characteristics like shape, size, color, etc. BT seeds have been modified by adding a new gene that enables cotton plant to resist bollworm attack. This gene is taken from a bacterium living in soil called Bacillus thuringiensis, BT. BT bacterium is known for a long time to kill some pests, and it is used as sprays on crops. The gene which provides the property of killing bollworm is inserted in the plant using the genetic engineering technique. Profitable. Doctor, I have one more question. Can eating BT cotton leaves affect our cattle? No. The BT toxin specifically attacks bollworms and related insects. No other animal, including cattle, sheep, goats, or humans, are affected by it. Plants have started attaining height with healthy flowers and fruits. Thanks to BT seeds, there is no sign of any infestation. Fortunately, this time, we have much better harvest. All of us are so happy. इसमें हमने देखा कि जो फसलें हैं, फसलों यानी प्लांट्स वगैरह पर जब हम हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं तो ये जो दोनों केमिकल्स हैं ये वीड्स और पेस्ट को तो किल कर देते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस वजह से जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए प्लांट्स के अंदर ऐसी जीन को इंसर्ट कर दिया जो जड़ी बूटियों यानी वीड और इंसेक्ट के खिलाफ प्रोटीन बना सकती है। तो इस तरह से जब ये जीन प्लांट के अंदर इंसर्ट की गई तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स थे वो ऐसी प्रोटीन बनाना शुरू हो गए जो जड़ी बूटियों और कीड़े मकोड़ों को ख़त्म कर सकती है। और इस तरह से जो ऐसे पौधे हैं उनकी जो पैदावार है यानी जो उनकी यील्ड है वो भी इम्प्रूव हुई, और इन पौधों को खाने से इंसानों की सेहत पर भी कोई असर नहीं पड़ता। अब वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनको हमने बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करके मॉडिफाई कर लिया है, तो उन फसलों में मकई, गंदम, चावल, कनोला, आलू, सोयाबीन और कपास वगैरह शामिल हैं। एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3.6 है ये उसका आंसर भी है, यानी ज़रात में बायोटेक्नोलॉजी का इतलाक बयान करें, डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो उस क्वेश्चन के आंसर में आप लोग
यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसको लिखेंगे। और इसके अलावा इसमें से MCQs भी आ सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि वो कौन सी फसलें हैं जिनको बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक्स को यूज़ करके मॉडिफाई कर लिया है। तो इन फसलों में से कोई भी 2, 3, 4 पूछ सकते हैं या फिर MCQs के लिए भी आ सकती है। और उसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।